मंकी पॉक्स इज अ जूनोटिक डिजीज विच जनरली इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. हाउएवर दिस ईयर इट हैज मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका एंड केस हैज बीन डिटेक्टेड इन स्वीडन ड्यू टू विच WHO हैज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑन 14 अगस्त 2024. दिस डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट and also through sexual exposure. Exposure to the bed sheets of the infected patient could also be a problem. Incubation period is generally 5 to 21 days. Initial small illness, brief illness of fever, followed by rashes on the hands, on the face, in the genital areas. These rashes, they become vesicles and pustules. Or ye illness generally self-limiting hoti hai. Aam taur pe treatment ki zarurat nahi hoti hai. And within about 3 to 4 weeks it becomes normal. Kuch cases mein complications ho sakte hain. These complications can be pneumonias, infections of the skin lesions causing septicemia, and deaths have been reported. Jo is bar ka strain hai wo thoda zyada virulent hai, zyada infective hai, aur usme deaths pichle strain se thodi zyada hai, aur pichla strain 2022-23 tak raha tha. पर अभी इंडिया में ना कोई केस है और हमें ऐसी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा केसेस यहाँ होंगे भी नहीं. हालांकि कुछ केसेस नहीं हो इसका हम आउटलाइन नहीं करते, होंगे कुछ केसेस, मैनेज करेंगे उनको जैसे पिछली बार किया था आइसोलेशन वार्ड्स के साथ. और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन तैयारी है पूरी, क्योंकि हम लोगों ने स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट किया था, POs के साथ इंटरेक्ट किया था और उनको बता दिया है, उनको अब मटेरियल भी शेयर कर रहे हैं. CD अलर्ट जारी करता है NCDC, सो CD अलर्ट 2022 में जारी किया था, इस बार उसको अपडेट करके बिकॉज स्ट्रेन चेंज हुआ है फिर से जारी करेंगे. आई थिंक आज या कल में वो CD अलर्ट स्टेट्स के पास पहुंच जाएगा, शेयर हो जाएगा, विच में सारी इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द सिम्टम्स, अबाउट द डायग्नोसिस, अबाउट द मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी देयर. अभी इंडिया में तो कोई पेशेंट नहीं है, इंडिया में तो केस अभी नहीं है, मतलब और स्वीडन में एक कंफर्म्ड केस है अफ्रीका के बाहर. बाकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस साल से अबाउट 16,000 केसेस हैं करीब, जिसमें से 2,400 कंफर्म्ड है. बाकी अभी सस्पेक्टेड केसेस 16,000 है एंड डेथ्स हैं करीब ऑलमोस्ट 500 डेथ्स हैं. और स्ट्राइक को चलते काफी टाइम हो गया. जो बंगाल में हुआ वो अच्छा तो नहीं था, बहुत खराब हुआ मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, और जो भी एक्शंस बंगाल की तरफ से होने चाहिए थे अब वो हो चुके हैं. CBI उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है. जो प्रिंसिपल जिनके अगेंस्ट एक्शन था उनको छुट्टी पे बिठा दिया गया है, CBI उनको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है. बाकी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुओ मोटो लिया था, उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी है सीनियर डॉक्टर्स की, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं अलॉन्ग विद हेल्थ सेक्रेटरी एज वेल एज होम सेक्रेटरी, एंड दैट टास्क फोर्स हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट विद इन 3 weeks एंड द फाइनल रिपोर्ट विद इन 2 months. और उन्होंने स्पेशली कोई इन्फॉर्मेशन भी मांगी है जो स्टेट से हमें कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी प्रोविजन्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि ड्यूटी रूम्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पर्सनल हैं, या स्कैनिंग इक्विपमेंट फॉर फायर आर्म्स और एनीथिंग सो दैट लोग अंदर लेके ना जाएं. पब्लिक के लिए क्या मैसेज? पब्लिक के लिए मैसेज स्ट्राइक की तरफ से ये है कि डॉक्टर्स बहुत टेंशन की सिचुएशन में काम करते हैं, तो पेशेंट्स भी जब वहां जाएं तो ये समझें कि किसी भी डॉक्टर की इंटेंशन पेशेंट को हार्म करना नहीं होता, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम से अनड्यू एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होनी चाहिए. कई बार पेशेंट इतना सीरियस होता है कि चाहते हुए भी डॉक्टर जान नहीं बचा पाते, तो उसमें जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को हानि पहुंचा के कुछ लाभ मिलेगा. सो प्रोबेबली दोनों ही तरफ से थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है, पब्लिक की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी. मंकी पॉक्स के लिए पब्लिक का क्या संदेश है? मंकी पॉक्स के लिए पब्लिक के लिए संदेश ये है कि अभी कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. हमें नहीं लगता कि बहुत सारे केसेस यहां पर होंगे. जितने भी केसेस होंगे आएंगे, पिछली बार जैसे 30 केसेस हुए थे 2022-23 के बीच में, और उसमें से 12 तो फॉरेन नेशनल्स ही थे और बाकी भी आधे से ज्यादा इंडिया में रहने वाले फॉरेन नेशनल्स थे. तो अगर कुछ केसेस होंगे उनको हैंडल करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी जो मशीनरी है.